हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने आपके साथ ब्लैक हीना पैक बहुत शेयर किया, अलग अलग तरीके से शेयर किया, अपने बालों में आपको अप्लाई करके भी दिखाया कि ब्लैक हीना पाउडर नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, 100% प्योर होता है, कहाँ मिलता है, किस साइट पर मिलता है वो भी आपको बताया और उसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया। सो आज मैं ब्लैक हीना ऑयल लेकर के आई हूँ कि उसको किस तरीके से आपको बनाना है और किस तरह अप्लाई करना है। दोनों ही चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं साथ में तो आपके बालों में इसका असर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत ही कम सामान, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है, ओनली आपका एक हीना है और अनदर आपका ऑयल है। बट ये ऑयल जो है वो बाकी सारे ऑयल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, क्योंकि ये मतलब इसमें इतने सारे मिनरल्स, फाइबर्स, इतने सारे विटामिन्स होते हैं जो कि बालों को पोषण देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सबसे अच्छा जो ऑयल हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा कहते हैं कि इसका वो कोई लगाता नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बट ऐसा नहीं गाइस। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें बालों की कि हमारे ऑयल कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्योर जो ऑयल है, सो ये ऑयल है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहे इसको सिंगल लगाइए या फिर किसी के साथ एप्लीकेशन कीजिए अपने हेयर पे, सो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। एंड न्यू है चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेनी है, तो गैस पे रख दिया है, ऑन कर दिया है फ्लेम यहाँ पे मैंने, तो आप देख ही सकते हैं पानी है इसमें, तो ये हल्के हल्के से यहाँ पे सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच के करीब तिल का तेल यानी कि सीसम सीड्स ऑयल, और यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ, ओनली 1 बार अप्लाई करने के लिए, 2 बार अप्लाई करने के लिए। आप इसे 1 मंथ के लिए भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक हीना पाउडर 1 स्पून, सो यहाँ पे ओनली 1 स्पून आपको ऐड करना है ब्लैक हीना पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। एंड इसके बाद हमें इसे चलाते रहना है तब तक जब तक ये अच्छे से हमारा पक ना जाए, ऑयल और जो हीना है वो अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए, पक ना हो जाए एंड ऑयल का कलर चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। सो आप देख ही सकते हैं, सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, हमारा जो हीना है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया है कलर में। सो यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसको हम यहाँ पे छान लेंगे, ऑयल इसका बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। सो गैस, यहाँ पे ऑयल बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। सो गैस, इसमें इस्तेमाल किया है मैंने तिल का तेल, यानी तिल का तेल हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तिल के तेल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन एंड मिनरल्स पाया जाता है, जो कि हमारे बालों की क्वालिटी को बढ़ाता है। और ये बात जो है ये वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हो चुकी है कि तिल का तेल हमारे बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, हमारे बालों को अच्छे से पोषण मिलता है तिल के तेल से, ये हमारे बालों को काला करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों के मेलानिन को बूस्ट करती है। मेलानिन जब हमारा तेज़ी से बढ़ता है, तो आप सभी जानते हैं कि मेलानिन अगर अच्छे से बढ़ने लग गया तो बाल हमारे स्वतः ही काले हो जाते हैं, सफ़ेद बालों की समस्या नहीं होती है। और पूरी दुनिया में प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है इसका बालों के लिए, सो आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से बना के रखिए। ज़्यादा बनाना हो तो आप यहाँ पे तिल के तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और मेहंदी को की क्वांटिटी बढ़ा करके इस तरीके से ऑयल बना के रख दीजिए। चलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने हेयर पे। हे गाइस, इस ऑयल को अपने बालों में लगा लेते हैं। तो लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल से, आपको अपने फिंगर टिप से इसको अपने स्कैल्प पे अच्छे से हर जगह लगा लेना है, बालों में नहीं लगाना है, बस स्कैल्प पे लगाना है। उसके बाद अपने हेड की अच्छे से थोड़ी सी चंपी यहाँ पे मसाज कर लेना है बस, और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। सो ऑयल को मैंने ले लिया है और बाल मैंने यहाँ पे कॉम्ब कर लिए हैं ताकि उलझे नहीं।
और जिस तरीके से मैंने ये खोल के ही रखा हुआ है, यानी कि हमारा जो ये रूट्स आपको दिख रहा है, बिल्कुल उसी में आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरीके से लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो आपको आपके जो रूट्स हैं स्कैल्प में, मतलब जो जड़ हैं बालों की, उसी में इसको अच्छे से अप्लाई करना है इस तरीके से। उसके बाद अलग फिर हम ले लेंगे इस साइड में एक और पार्ट कर लेंगे ऐसे। तो हर जितने भी आपके बाल को आपको डिवाइड कर करके आपको यहाँ पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद ही आपको मसाज करना है बाल में, पूरे प्रॉपर बाल में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेन जो हमारा है वो जड़ है। अगर हमारे जड़ में अच्छे से ये लग गया तो बाल में आराम से अपने आप ही ये पहुँच जाएगा। सो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये देखिए मैं लगा रही हूँ। और लगाने के बाद आपको अपने फिंगर्स को लेकर के इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ऐसे राउंड राउंड करते हुए अपने हेड पे लेके जाना है और इस तरीके से मसाज करना है। चाहे तो आप अपने फिंगर पे अलग से लेकर के इस तरीके से लीजिए और इस साइड से होते हुए अंदर से ऐसे करते हुए आप अपने पूरे स्कैल्प पे मसाज कीजिए। बस यही प्रोसेस इसमें आपको करना है। आप मेहंदी अप्लाई कीजिए, वॉश कर लीजिए अपने बालों को, उसके बाद ये ऑयल लगाइए। देखिए आपके बाल हफ्ते भर में काले ना हो जाए तो कहिएगा। इवन आपके जो जड़ों से जो बाल निकलेंगे वो भी आपके काले ही निकलेंगे, सफ़ेद नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसको मैंने बनाया है तिल के तेल से। तिल का तेल आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तिल के तेल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स, फाइबर, पोटेशियम एंड सोडियम होता है, जो कि आपके बालों के जो मेन हमारा मेलानिन होता है उसको तेज़ी से बूस्ट करता है। जब मेलानिन आपका बूस्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बनना शुरू हो जाता है, तो आपके जितने भी बाल सफ़ेद हैं वो सारे के सारे काले हो जाते हैं और जो नए बाल आते हैं वो भी काले होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी काले ही बाल आपके आते हैं, सफ़ेद बाल आपके नहीं दिखेंगे आपके हेयर में। सो इस तरीके से आपको करना है, मसाज कर लेना है, छोड़ देना है और ये प्रोसेस कीजिए रात में। दिन में भी आप कर सकते हैं पर रात में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में जब आप मसाज करके सोएंगे बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी और जो ऑयल है वो अच्छे से आपके हेड में अंदर तक जाएगा, आपके रूट्स, आपके जड़ों में अच्छे से वो पूरा एकदम अच्छे से वो जाएगा, पोषित करेगा आपके स्कैल्प को, स्ट्रॉन्ग करेगा जड़ों को, रूट्स को मजबूत करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाल हमारे जड़ों से मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी, जो भी लगी उसका कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।